हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी सेकंड का पार्ट 8 सरनाम पढ़ेंगे, पेज नंबर 40। आप भी अपनी अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 40 निकालेंगे और साथ में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्द दो शब्दों सर्व और नाम के से मिलकर बना है। सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सबका। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। अतः हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग सबके लिए कर सकते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने सुनने में अच्छे और सहज लगते हैं, पढ़ने और सुनने में अच्छे लगते हैं और सीधे लगते हैं। नामों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब संज्ञा हमने चैप्टर 5 पढ़ा था, पार्ट 5 पढ़ा था, जिसमें आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जो होता है, उनके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसका आदि। सर्वनाम के भेद नेक्स्ट आता है। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले के लिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, ये होते हैं। सुनने वाले के लिए होता है तुम क्या कर रहे हो। जैसे हम किसी से बोलते हैं और सामने वाला सुन रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तुम। आप कब गए, ये शब्द सुनने वालों के लिए होते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जैसे वह आ गया, वे सब मेला देखने जाएंगे, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष और दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं अन्य पुरुष होते हैं। जिस सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यह पुस्तक, मुझे यह पुस्तक दीजिए, वह घर मेरा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी ना मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये हमें पता नहीं होता कि क्या है ये। इसमें जैसे कोई, कोई आया है तो आपको पता नहीं है कि कोई कौन है, ये अनिश्चय है। निश्चित वो होता है जिसमें आपको पता होता है कि कौन आया है, ये आप निश्चय कर पाते हो। अनिश्चयवाचक में ये होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता, तो वह अनिश्चयवाचक होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसने आदि, कौन आया, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मुझे किसने बुलाया। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य सर्वनाम से जुड़े होते हैं अर्थात दो वाक्यों में संबंध जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा, ये शब्द संबंध को, दो संबंधों को जोड़कर बताते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंध बताते हैं एक दूसरों में। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। व्यक्ति जो अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है शब्दों को उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद, स्वयं, अपने आप आदि, ये शब्द क्या अपने लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, यहाँ पर खुद क्या है, सर्वनाम है।
वचन के कारण सर्वनाम के रूप बदलते रहते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन होते हैं ना, वैसे ही सर्वनाम में भी वचन के इसके रूप सर्वनाम के रूप बदलते रहते हैं। तो ये आप सब इसमें पढ़ेंगे, मैं का हम, मुझे हमें, तेरा तुम्हारा, वह वे, यह का ये, मेरा, ये एक वचन हो गया तो इसका हमारा बहुवचन होगा, उसे, उन्हें, तुम, तुम्हें, उसका, उनका, इसका, इनका, ये सब क्या है, एक वचन के बहुवचन है, सर्वनाम के रूप है। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम पाठ, यहाँ पर समाप्त होता है। इसको आप घर पर पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को हम PDF के द्वारा अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।